नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आप जानते ही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड का किस तरह से बॉयकॉट हो रहा है। किसी भी बड़ी और नई फिल्म का ऐलान बाद में होता है, उसका बॉयकॉट पहले शुरू हो जाता है। और लाल सिंह चड्ढा से तो ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आगे आकर इस पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना है आपको तो कीजिए, हमारी फिल्में नहीं देखनी है तो मत देखिए। जैसे आलिया भट्ट का बयान सामने आया, अर्जुन कपूर बॉयकॉट पीपल का ट्रेंड उठा चुके हैं, यानी कि उन लोगों का बॉयकॉट कर रही हैं जो उनकी फिल्मों का बॉयकॉट कर रही हैं। तो ऐसे में करीना कपूर का बयान कुछ साल पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरी फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखिए। उसी का खामियाजा लाल सिंह चड्ढा ने भुगता भी है। खैर, इन सबके बीच स्वरा भास्कर की अब एक फिल्म आ रही है और स्वरा भास्कर ने भी इस पर अपनी राय रख दी है। हालांकि स्वरा भास्कर अपनी राय रखते रखते सुशांत सिंह राजपूत को बीच में घसीट लाई और इस पूरे ट्रेंड का जिम्मेदार उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ही बता दिया। पूछा गया स्वरा भास्कर से कि किस तरीके से बॉयकॉट चल रहा है, पूरा ट्रेंड हो रहा है, इसको लेकर आप क्या राय रखती हैं, तो स्वरा ने कहा कि वो असफलता का जश्न मनाने में भरोसा नहीं रखती। बॉलीवुड के खिलाफ नफरत सुशांत सिंह आत्महत्या के बाद से ही बड़ी है। सुशांत के सुसाइड के बाद से ही बॉलीवुड को ड्रग्स, सेक्स और शराब में लिप्त दिखाया जा रहा है, ये कहना है स्वरा भास्कर का। आगे उन्होंने कहा, अगर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही हैं तो ये सबके लिए अच्छा है। किसी की असफलता का जश्न मनाना या किसी की सफलता से ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं। आप किसी एक एक्टर को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कैसे उस पूरी इंडस्ट्री से सब लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री वास्तव में नौकरियां पैदा करती है, ये लोगों को रोजगार दे रही है। इसके बाद स्वरा ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड को नीचा दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग साउथ को ऊपर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ से परे हैं। स्वरा भास्कर ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि साउथ में रिलीज होने वाली हर फिल्म सुपरहिट होती है, कुछ एक फिल्में हिट होती हैं और उन्हीं की चर्चा होती है। कई ऐसी फिल्में हैं जो फ्लॉप होती हैं लेकिन उनकी चर्चा तक नहीं होती। इसके अलावा फिर उन्होंने अनुराग कश्यप की बात का समर्थन किया और कहा कि इसमें कोई दोष नहीं कि महंगाई ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बॉयकॉट ट्रेंड के बीच स्वरा भास्कर ने भी अपनी राय रख दी है और ऐसे वक्त में जब उनकी फिल्म आ रही है, तो अब देखना होगा उनकी इस फिल्म पर उनके इस बयान का असर किस तरह से पड़ता है। वैसे आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, स्वरा भास्कर के कमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।